हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, जगन्नाथ टेंपल्स ट्रेजरी रूम रो ओवर इट्स ओपनिंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है जगन्नाथ टेंपल का ट्रेजर रूम जो है उसको खोलो। क्यों खोलो? चलो पहले उससे पहले पता होना चाहिए जगन्नाथ टेंपल है कहाँ पे। तो आप देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और आप देखिए ये है अपना उड़ीसा। ठीक है, ये मैंने उसका आउटलाइन बना दिया है उड़ीसा का। बिल्कुल यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से टच ये आपका जगन्नाथ टेम्पल है। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है उड़ीसा के। अब देखिए उड़ीसा का ये जो शेप है ये भी शंख जैसा है, अगर कोई रिलेट कर पा रहा होगा तो ये शंख जैसा है। तो देखिए कौन कौन से इसके शेयरिंग बॉर्डर स्टेट्स हैं। इधर में छत्तीसगढ़, नॉर्थ में झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ हो गया और आप देखिए साउथ में आंध्र प्रदेश। क्या तेलंगाना से बॉर्डर शेयर होता है? नहीं होता। तेलंगाना का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होता है। आप देखिए ये तेलंगाना है और ये आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो तेलंगाना से बॉर्डर ये शेयर नहीं करता है। तो बस एक छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से एंड आंध्र प्रदेश से। तो ये है हमारा उड़ीसा, शंख जैसा, बे ऑफ बंगाल में है। तो क्या ये लैंडलॉक स्टेट है? लैंडलॉक स्टेट भी नहीं है क्योंकि इससे आप डायरेक्ट ओशन में जा सकते हैं, बे ऑफ बंगाल के थ्रू इंडियन ओशन में जा सकते हैं। तो ये लैंडलॉक स्टेट भी नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ लैंडलॉक स्टेट है? हाँ है, यहाँ से आप डायरेक्ट ओशन में नहीं जा सकते। तेलंगाना बिल्कुल है लैंडलॉक, पर उड़ीसा नहीं है। तो बस ये उड़ीसा के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। अब आर्टिकल देखते हैं। एन असेंबली एंड जनरल इलेक्शन ड्रॉ क्लोजर इन उड़ीसा, द डिमांड टू ओपन दी रत्न भंडार डेट इज ट्रेजर रूम ऑफ द पुरी जगन्नाथ टेम्पल इज ग्रोइंग अगेन। द बीजेपी एंड कांग्रेस हैव बोथ रेज द इशू। तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस दोनों बोल रहे हैं भैया खोल दो, पैसा निकाल लें हम लोग। वॉट इज पुरी टेम्पल रत्न भंडार? तो ये रत्न भंडार है क्या? द प्रीशियस ऑर्नामेंट ऑफ सिबलिंग डीटीज लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र एंड गॉडेस सुभद्रा। तो आप देखिए जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, इन तीनों के वहाँ पे प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, उनके पहनने वाले यहाँ पे ज्वेलरीज रखे गए हैं। एंड द अर्ल किंग और सेंचुरीज आर स्टोर इन द रत्न भंडार ऑफ द श्राइन। और वहाँ पे जो जैसे उड़ीसा में कई राजा हुए हैं, आप देखिए गौड़ प्रदेश था, वहाँ पे शशांक था। शशांक को हम लोग बहुत जानते हैं कि उन्होंने कनिष्क के वहाँ पे, कनिष्क के बहन के भाई को मारा, अरे बहन के हस्बैंड को मारा था। तो ये वहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम लोग कि वहाँ के राजा से ले करके वो तीनों भगवान, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, उन सबके वहाँ पे ऑर्नामेंट्स रखे गए हैं। इट इज़ लोकेटेड विद इन द टेम्पल, ये टेम्पल के अंदर ही है। एंड हैज़ टू चैम्बर्स, क्या है? और देखिए भीतर भंडार इनर चैम्बर एंड बाहर भंडार आउटर चैम्बर, इसमें भी दो चैम्बर है। वाइल द आउटर चैम्बर इज ओपन रेगुलरली, तो जो आउटर चैम्बर है आपका बाहर भंडार वो हमेशा खुलते रहता है। द इनर चैम्बर हैज़ नॉट बीन ओपन इन पास्ट 38 ईयर्स, तो पिछले 38 ईयर्स में जो इनर चैम्बर है उसको खोला नहीं गया है। हु वॉन्ट्स इट ओपन एंड वाई, इसको कौन खोलना चाहता है और क्यों, चलिए देखते हैं। डिमांड टू ओपन द रत्न भंडार गेन स्ट्रेंथ आफ्टर द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो डिमांड है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है उसके बाद से बढ़ गई है। क्या? द कस्टोडियन ऑफ द 12th सेंचुरी श्राइन, ये 12th सेंचुरी श्राइन है आप देखिए, गेव अ रिक्विजिशन फॉर रिपेयर कंजर्वेशन ऑफ द चेम्बर। तो बोला गया है कि इसको रिपेयर करना चाहिए और कंजर्वेशन इसका करना चाहिए। देर आर एप्रिहेंशन दैट क्रैक्स हैव इमर्ज इन द वॉल दैट कुड इंडेंजर द प्रीशियस ऑर्नामेंट स्टोर देर। तो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिपोर्ट दी है कि चेंबर में क्रैक्स आ गए हैं और उसको रिपेयर करना जरूरी है अगर आपको ये सारे ऑर्नामेंट्स को वहाँ पे सेफली स्टोर करके रखना है। सर्विटोर्स, डिवोटीज एंड टेम्पल मैनेजमेंट, सर्विटोर जैसे हम लोग, उनके भक्त, डिवोटीज भक्त और आपके सर्विटोर जो काम करते हैं वहाँ पे, और टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स हैव आस्क्ड फॉर द रीओपनिंग टू असर्टेन एंड सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स कंटेंट्स। तो इन लोगों से बोला गया है कि खोला जाए इसको बस इसके सेफ्टी के लिए। एंड टू मेक एन इन्वेंट्री, ठीक है। व्हेन वाज इट लास्ट ओपन, पिछली बार कब खुला था? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्सेज
द लास्ट इन्वेंट्री ऑफ रत्न भंडार वॉज मेड बिटवीन मई 13 एंड जुलाई 23 इन 1978। तो आप देखिए 1978 में ये लास्ट खुला था, इनर भंडार जो था आपका पिछली बार खुला था, दो इट वॉज ओपेंड अगेन ऑन जुलाई 14, 1985। तो 1985 में इसको फिर से खोला गया था एक बार। द इन्वेंट्री वॉज नॉट अपडेटेड, तो उस समय क्या इन्वेंट्री थी उसको अपडेट नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू अ रिप्लाई मेड बाय अ मेयर लॉ मिनिस्टर प्रताप जेना इन द स्टेट असेंबली इन अप्रैल 2018, इन 1978 द रत्न भंडार हैड 12,831 भारी, 1 भारी इक्वल्स टू 11.66 ग्राम ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो आप देखिए एक भारी होता है आपका, एक भारी का मतलब होता है 11.5 ग्राम सोना, तो ये मतलब 11.66 अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ 11.5 ग्राम। और 1978 में जो खुला था उस समय 12,831 बारियाँ थी, तो आप इसको डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ग्राम ऑफ वहाँ पे गोल्ड पता चलेगा। फिटेड विथ प्रीशियस स्टोन्स एंड 22,000 भारी ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स अमंग अदर्स, तो और वहाँ पर 22,000 भारी जो थी 153 ये सिल्वर की थी, तो आप देखिए इसको सिल्वर से भी 11 कर देंगे तो वो सिल्वर आ जाएगा। वॉट इज प्रोसेस टू ओपन द रूम, इसको खोला कैसे जाता है इस रूम को, इतना क्या बड़ा बात है, एक रूम ही तो है खोल लो, पर जरूर कोई प्रोसेस है, देखते हैं। परमिशन ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, ओडिशा गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। फॉलोइंग अ डायरेक्शन फ्रॉम द ओडिशा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का उसमें डायरेक्शन चाहिए। बेस्ड ऑन द ASI रिपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू ओपन द चैम्बर फॉर फिजिकल इंस्पेक्शन ऑन अप्रैल 4, 2018। तो 2018 में एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए देखने के लिए चारों तरफ के दीवार कैसे है सही है उसके लिए ऑर्डर दिया था। हाउएवर कीज ऑफ द चैम्बर कुड नॉट बी फाउंड, पर इसकी चाबियाँ नहीं मिली थी। हैव द मिसिंग की फाउंड, क्या ये जो चाबियाँ खोई थी ये वापस मिल गई हैं। ऑन अप्रैल 5, 2018 द देन पुरी कलेक्टर अरविंद अग्रवाल स्टेटेड इन अ टेम्पल कमिटी मीटिंग दैट देर वॉज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द की, तो वहाँ के जो कलेक्टर थे अरविंद अग्रवाल उन्होंने बोला कोई चाबियों के ऊपर अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, विच लेड टू स्टेट वाइड आउटरीच, तो ये भाई कंसर्न का इशू था ही, इसकी चाबियाँ कैसे खो सकती है। द पूरी कलेक्टर इज डी कस्टोडियन, तो वहाँ के पूरी के जो कलेक्टर है उसके पास चाबी होती है ऑफ द की ऑफ द इनर ट्रेजरी रूम, तो जो अंदर में चेंबर है इनर चेंबर उसकी चाबियाँ पूरी के कलेक्टर के पास है। ऑन जून 2018 चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑर्डर अ जुडिशियल इंक्वायरी टू प्रूव द लॉस ऑफ द की, तो नवीन पटनायक जी ने बोला कि इसके ऊपर रिसर्च मतलब खोज की जाए कि चाबियाँ कहाँ हैं। डेज लेटर जून 13 अग्रवाल सेड एन इनवलप विद डुप्लीकेट कीज ऑफ इनर रत्न भंडार, तो डुप्लीकेट कीज वहाँ पे फिर बनाई गई, रिटन ऑन इट हैड बिन फाउंड इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ द कलेक्टोरेट, तो ये बनाई नहीं गई कलेक्टोरेट से, वहाँ पे डुप्लीकेट कीज की नाम के इनवलप मिल गया इन लोगों को। मीनवाइल द कमीशन सबमिटेड 324-पेज रिपोर्ट टू द ओडिशा गवर्नमेंट ऑन नवंबर 29, 2018। इट्स फाइंडिंग आर येट टू बी मेड पब्लिक, तो इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाई गई है पर उसके रिपोर्ट को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। 2018 में रिपोर्ट बनाई गई है और अभी 2023 चल रहा है, यह पब्लिक क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग को शायद मतलब नहीं, हम लोग बस वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, क्या चल रहा है हम लोग ध्यान नहीं देते, क्या हम लोग नागरिक सिटीजन है शायद, मतलब हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक सिटीजन है, बिल्कुल नहीं है। तो अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हमारे लिए जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, मैंने आपको लोकेशन बता दिया कौन से स्टेट में है, उसके नेबरिंग जगह कहाँ पर है, क्या ये बे ऑफ बंगाल में खुलता है या अरेबियन सी में खुलता है, तो ये हमने देख लिया। उसमें हमने देखा दो चैम्बर है, रत्न भंडार क्या है जहाँ पे सारे ऑर्नामेंट्स रखे गए हैं, किनके, लॉर्ड जगन्नाथ के, लॉर्ड बलभद्र के और गॉडेस सुभद्रा के, और उसके बाद से वहाँ पे जो ओवर द सेंचुरीज किंग वहाँ पे रूल किए उनके भी वहाँ पे आपके गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स रखे गए हैं। दो चैम्बर है, एक भीतर भंडार है और आपका एक बाहर भंडार है, ठीक है। अभी बाहर भंडार खुलते रहते हैं, जो आपका भीतर भंडार है वो नहीं खुलते रहता है, वो बहुत
लास्ट टाइम खुला था 1978 में और 1985 में, तो इसको खुलना रेगुलर नहीं है। क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है कि उसके वॉल में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं और उसको सेफ गार्ड करने के लिए, सिक्योर करने के लिए उसका वापस से बनाना जरूरी है, उसको रेनोवेशन की ज़रूरत है, इसलिए खोला जाए। तो टेम्पल कमिटी ने इसको बोला है। लास्ट टाइम मैंने बता दिया कब खोला गया था आप लोगों को। प्रोसेस क्या है, पहले उड़ीसा गवर्नमेंट उसमें बोलेगी खोलना है, फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो और इसकी चाबियाँ किसके पास होती है? चाबियाँ आपके वहाँ के डीएम के पास होती है। पढ़ लिख लो भाई लोग, कहीं के कुछ डीएम वीएम बन जाओ, सही रहेगा, भगवान की सेवा करने का भी मौका मिलेगा, इससे इतना तो समझ में आ रहा है। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही था हमारे लिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ पर है। तो बस पढ़ाई लिखाई करो, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।